एक बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं जो है कोडरमा के मरकच्चो क्षेत्र से। जिले में उत्खनन के नियमों को ताक पर रखकर जिले के मरकच्चो थाना अंतर्गत कारी पहरी में धड़ल्ले से कीमती पत्थरों का उत्खनन हो रहा है। जी हाँ, यह तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे किस तरीके से यह खबर खुद ब खुद अपनी सच्चाई को बयां कर रही है। बताते चले कि मरकच्चो प्रखंड में कारी पहाड़ी क्षेत्र में जो पत्थर है वह काफी कीमती पत्थर है। उस पत्थर का उत्खनन कार्य कई खनन माफियाओं के द्वारा और अन्य व्यक्तियों से लीज पर लेकर खनन कार्य किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो यह खनन कार्य काफी दिनों से चल रहा है। उक्त भूमि का मालिक उन्हें कोई भी खनन कार्य करने के लिए अनुमति अभी तक नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया अपनी दबंगई के चलते बाज नहीं आ रहे हैं। उक्त इलाके में काफी हैवी ब्लास्टिंग और प्राकृतिक जल स्रोतों को नष्ट कर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण और क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा सबब भविष्य में बन सकता है। आपको बता दें कि उक्त खदानों में होने वाले ब्लास्टिंग वहीं भूगर्भीय जल स्रोत काफी नीचे चला गया है, जिसमें आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है और समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उक्त खदान को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जब ब्लास्टिंग पर विरोध जताया तो खनन माफियाओं का कहना है कि जो करना है कर लें, जो देखना है देख लें, वह नहीं मानेंगे। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मौन है, यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले में पूर्व में जिला खनन पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, परंतु कोई भी कार्य नहीं किया गया है। बताते चलें कि उक्त खनन थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़े बड़े मशीन से सारा दिन कार्य होता है और प्रशासन है कि आंख मूंदे सब कुछ देख रहा है। कहीं ना कहीं घालमेल और एक बड़ा सवाल प्रशासन और शासन पर भी खड़ा होता है। सारी रेत हाईवा से निकाली जा रही है और बोल्डर मदद से यह किया जा रहा है। आपको बता दें कई वर्षों से यह चल रहा है, यह भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। पत्थर माफिया के द्वारा अवैध तरीके से नियम को ताक पर रखकर पत्थर जमीन से निकाले जा रहे हैं पत्थर, जबकि जमीन मालिक को पता भी नहीं है। किसी दूसरे की जमीन कोई और लिख दे रहा है। जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग है वह ऐसा कार्य कर रहे हैं। कोर्ट में एग्रीमेंट भी कर दिया है और इस खनन कार्य से लोग बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन पॉपलिन ड्रिल मशीन हाईवा आदि कुछ नहीं किया गया है अभी तक। आपको बता दें काफी ज्यादा बड़े स्तर पर यह खेत चल रहा है और जमीन के वारिसान सराजुद्दीन, मोइन अंसारी, मुख्तार अंसारी, हनीफ मियां इत्यादि लोग हैं। यह भी जानकारी हम आपको बता दें, इन गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से यह सभी दहशत में हैं और जमीन मालिक अपनी जमीन पर नहीं जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी भी बड़ा हादसे को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। खैर, देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा इस पर ध्यान देगा या फिर इसी तरीके से यह बड़ा घालमेल चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मरकच्चो से सराजुद्दीन, R9 भारत।